नमस्कार लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। मैं निशा बर्णवाल। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर लगी मोहर। बिहार में होगी शिक्षकों की बंपर बहाली, नियोजित टीचर्स करेंगे विरोध। बिहार में जातीय जनगणना पर हुई सुनवाई, कल फिर दोनों पक्ष सुनेगा पटना हाईकोर्ट। गिरिराज सिंह ने की बिहार में योगी जैसे सीएम की मांग, सम्राट चौधरी को बनाने की अपील। औरंगाबाद में एनआईए की टीम ने माओवादी नेता और उसके रिश्तेदारों के घर की छापेमारी। आधी रात को तेज बारिश में पटना की सड़कों पर जायजा लेने निकले तेजस्वी यादव। पूर्व आईएएस ने थामा जनसुराज का दामन, रिटायर्ड नौकर शाह पर चला प्रशांत किशोर का जादू। नीतीश के मंत्री का बड़ा बयान, कहा बिहार का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, बीजेपी करे समर्थन। आरजेडी पर भड़के नीरज बबलू, कहा ब्राह्मणों पर विवादित बयान देने वालों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। और अब खबरें विस्तार से। नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज कुल 18 एजेंडों पर मोहर लगाई गई है, जिसमें पटना के बाद अब गया और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में डीजल वाले तीन पहिया वाहनों पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। 30 सितंबर 2023 के बाद इन दोनों नगर निगम क्षेत्रों में ऐसी गाड़ियां नहीं चलेंगी। इसके साथ ही पटना, गया और मुजफ्फरपुर के डीजल चलित मालवाहक वाहनों के लिए अनुदान का भी प्रावधान कैबिनेट ने किया है। साथ ही 1,78,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता भी साफ हो गया है। इसके अलावा सरकार ने पशु एवं मत्स्य संसाधन, पंचायती राज, नगर विकास एवं आवास, समाज कल्याण, सहकारिता, स्वास्थ्य, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, वित्त और गृह विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दी है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस दौरान सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए राज्य में शिक्षकों के 1,78,000 पद का सृजन करने को लेकर मंजूरी दे दी है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए 85,477, 6 से 8 के लिए 1,745, 9 से 10 तक के लिए 33,186 और 11 से 12 तक के लिए 57,618 शिक्षकों का पद है। अब इतने पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी करेगी। इसके साथ ही इन शिक्षकों के लिए मूल वेतन पर भी मोहर लगाई गई है, जहां हर साल करीब 46 अरब रुपए से अधिक खर्च होंगे। वहीं नियोजित शिक्षक इसके विरोध में 5 मई को सड़कों पर उतरेंगे, जहां महागठबंधन के कई नेता समर्थन कर रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई है। इस मुद्दे पर बुधवार को फिर सुनवाई होनी है। पटना हाईकोर्ट ने आज दोनों पक्षों को सुना। याचिकाकर्ताओं की ओर से दीनू कुमार, ऋतुराज और अभिनव श्रीवास्तव ने, राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल पीके शाही ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया। बता दें कि अखिलेश कुमार और अन्य की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन का खंडपीठ सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने जाति और आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के सर्वेक्षण कराने का अधिकार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर है। बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में योगी जैसे सीएम बनाने की मांग की है। इस दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में सीएम पद के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नाम पर लोग समर्थन कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी को बिहार के सीएम पद के लिए सम्राट चौधरी का नाम ऊपर करना चाहिए। साथ ही बेगूसराय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सम्राट चौधरी को सीएम बनाने को लेकर नारे भी लगाए। बता दें कि यूपी में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं और बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, उसको लेकर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। औरंगाबाद जिले में माओवादी नेता प्रमोद कुमार मिश्रा के घर आज एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। प्रमोद मिश्रा के एक रिश्तेदार के घर भी छापेमारी की गई है। मंगलवार की सुबह सबसे पहले एनआईए की टीम नक्सली नेता प्रमोद मिश्रा के कासमा स्थित मकान पहुंची। इस दौरान परिवार के लोगों को अलग करके कागजातों को खंगाला। वहीं परिजनों से पूछताछ भी की गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। एनआईए की टीम ने घर के सभी कमरों की तलाशी ली। रफीगंज में छापेमारी अभियान में स्थानीय पुलिस एसआई धर्मेंद्र कुमार, पीएसआई अभिषेक कुमार, एएसआई मनिल कुमार दलबल के साथ मौजूद रहे। वहीं कासमा में एएसआई अमोद कुमार और एएसआई सुनील कुमार मौजूद रहे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन दिनों अपने काम को लेकर खूब चर्चा में हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव आधी रात को तेज बारिश में पटना की सड़कों पर जायजा लेने निकल गए, जिसको लेकर तेजस्वी यादव की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल तेजस्वी यादव नगर विकास और आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ बीती रात तेज बारिश के बीच नगर निगम अंतर्गत जल जमाव और अन्य क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिए। इस दौरान तेजस्वी यादव खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए मरीन ड्राइव पहुंचे और वहां पर लोगों से बातचीत की। मरीन ड्राइव पर फास्ट फूड की दुकान लगाने वाले लोगों से तेजस्वी यादव ने बातचीत की।
चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कुनबा अब बड़ा होते जा रहा है। इस दौरान 6 रिटायर्ड IAS अधिकारियों ने आज जनसुराज का दामन थाम लिया है। जनसुराज परिवार से जुड़ने वाले 6 सेवानिवृत्त IAS में विशेष सचिव कैबिनेट से सेवानिवृत्त अजय कुमार द्विवेदी, सचिव पद से सेवानिवृत्त अरविंद कुमार सिंह, आयुक्त पद से सेवानिवृत्त ललन यादव, प्रशासक बेतिया, राज्य से सेवानिवृत्त तुलसी हजार, संयुक्त सचिव पद से सेवानिवृत्त सुरेश शर्मा और सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव गोपाल नारायण सिंह का नाम शामिल है। बता दें कि इन दिनों जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर बिहार के सभी जिलों में पदयात्रा कर रहे हैं। इस पदयात्रा का फायदा भी उन्हें मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर बिहार के कानून मंत्री शमीम अहमद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार बीजेपी के नेता बिहारी होकर भी एक बिहारी प्रधानमंत्री उम्मीदवार का कैसे विरोध कर सकते हैं, उन्हें तो आगे आकर इसका समर्थन करना चाहिए। इस दौरान पीएम उम्मीदवारी को लेकर शमीम अहमद ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि बिहार से पूरे देश की दिशा तय होगी और इसका गवाह भी बिहार ही बनेगा। आरजेडी द्वारा लगातार ब्राह्मणों पर दिए गए विवादित बयान को लेकर अब बीजेपी भी हमलावर है। इस दौरान बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि महागठबंधन के नेताओं में होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे ज्यादा विवादित बयान देकर अपने आला कमान को खुश रख सकता है। ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ब्राह्मण कहीं बाहर से नहीं आए हैं, वह यहीं के स्थायी निवासी हैं। ब्राह्मण तो दूसरों को ज्ञान सिखाते हैं और यह बोलते हैं कि बाहर से आए हैं। बता दें कि आरजेडी के राष्ट्रीय सचिव यदुवंश प्रसाद यादव ने बीते दिन एक बयान दिया कि ब्राह्मण रूस और अन्य देशों से आए थे। दिनभर बिहार में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।